स्वागत सम्मान करें। इस सैयद राजा महोत्सव के इस मंच के कार्यक्रम में माननीय मंत्री पार्टी के जिलाध्यक्ष संगठन द्वारा सबको पैकेज की व्यवस्था है, सब लोग पैकेज लेके ही जाएंगे, कोई कैंपस से बाहर ना जाए। साथियों, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आज तकरीबन 42 करोड़ से भी ज्यादा की सड़कें लोकार्पित और शिलान्यास और साथ में गंगा का पुल अपने आप में करोड़ों का होता है, पीपा का पुल घोषित हुआ, डांडा कला चंदौली और बनारस कैथी के बीच, साथ में इसी लोकसभा के उस पार नियार रजला बर्फ घाट पर वह भी लगभग लाखों धनराशि का एक पीपा का पुल घोषित हुआ, साथ में और भरोसा मिला। आज यह मुख्य आयोजन था, साथ में सामाजिक जागरण के लिए यहाँ दो सामाजिक संस्थाएं जो आपस में जुड़ी हैं, भोजपुरी विकास मंच और मानव विकास मंच, उन्होंने यह सैयद राजा महोत्सव का आयोजन किया है, उनको भी शुभकामना है। इस प्रकार का आयोजन था। शाहीन बाग की तर्ज पर जफराबाद में भी चालू हो गया आंदोलन, कैसे देखते हैं? हालांकि आज हम सब इस देश के अंदर कुछ लोग मुद्दा उनके पास नहीं है, मुद्दा विहीन राजनीति कर रहे हैं, जिस बात के लिए ये धरने हो रहे हैं उसका कोई अंदेशा ही नहीं है। भारत के नागरिकों पर यह धारा लागू ही नहीं होनी है, भारत में शरण लिए हुए जो लोग हैं धार्मिक उत्पीड़न के शिकार उन पर लागू है, तो इसे इस रूप में मैं उन लोगों से अपील करता हूँ कि इस रूप में देखें। क्या नहीं लगता कि यह षड्यंत्र के माध्यम से ऐसा काम किया जा रहा है? ये स्वाभाविक है, जो विपक्ष मोदी के व्यक्तित्व और विकास, लोक कल्याण, गरीबों की भलाई के सामने और साफ सुथरी ईमानदार सरकार, सक्रिय सरकार के सामने कोई अपना एजेंडा नहीं पेश कर पा रहा है, सारे मुद्दे हल होते जा रहे हैं, तो बरगलाने का काम, भ्रम फैलाने का काम। कांग्रेस के नेता शत्रुघ्न सिन्हा पाकिस्तान में जाके राष्ट्रपति से मिलते हैं और जम्मू कश्मीर पर चिंता जताते हैं, ऐसा राष्ट्रपति ने ट्वीट किया है। मणिशंकर अय्यर और शत्रुघ्न सिन्हा का पाकिस्तान प्रेम सर्वविदित है, अब उस पर इससे ज्यादा टिप्पणी उचित। आपके सहयोगी रहे हैं पूर्व में, रहने का संस्कार नहीं था इसीलिए दूर कर दिया गया। छूट जावे तेरे काम साथे टाइप अच्छा, 22 फरवरी रात को करीब रात को 10:45 पे एक फाफामाव SBI ATM के पास एक बंदा है संतोष कुमार, इन्होंने संदिग्ध रूप से घूमते हुए मिला था, तो उसको पकड़ के पूछताछ करने पर ये पता चला कि ये दूसरे एक इसके साथी के साथ दो लोग मिलकर पूर्व में ATM स्किमर करके एक डिवाइस आती है उसके साथ लोग का ATMs लेके अपना अनजान में उसको स्किम करके क्लोन्स मतलब डुप्लीकेट ATMs तैयार करके पैसे लूट करते थे। और इसी के दौरान January 14 को एक बंदे से ये लोग ATM ऐसी क्लोन करके 80,000 चोरी कर दिया है। तो जब इन लोगों को हम अरेस्ट किए थे तो उन लोगों पर ये जो संतोष कुमार को जब हम पकड़े थे एक तमंचा, दो कारतूस और 52,000 रुपीज़ कैश सीज किया गया है और इनके ऊपर मुकदमा लिखा गया है और आगे विधिक कार्रवाई की जाएगा। इनका पुराना कोई आपराधिक इतिहास?
हाँ, इसके पहले ये लोग मतलब अननोन में पकड़ा, यहाँ मुकदमा लिखा गया था, तो इसी अननोन मुकदमे में इन लोग जब पूछताछ किया तो ये पता चला कि वो पुराना मुकदमे ही ये लोग ये काम किए थे। और जब हम पूछताछ किए थे तो इन लोग का कहना है कि करीब 10-15 लोग से ऐसा पैसा चोरी कर रखा है। तो अब हम पूरा इसमें विवेचना में ये सब चीज़ों को प्रकाश में ला के हम आगे कार्रवाई करेंगे।